गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं शिक्षिका बहनों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का यह वीडियो जो है आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3 के विषय गणित पर आधारित है, जिसमें बिंदु जो है वह लिया गया है संख्या पूर्व अवधारणाएं। तो यह क्या है, संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या हैं, इस बारे में पहले हम जान लेते हैं। बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना ही संख्याओं का गिनना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी है। इसलिए गिनती सीखने से पहले उन्हें गिनना, वर्गों में बांटना, क्रम में से लगाना और एक एक की संगत के साथ जमाने की समझ होना बहुत जरूरी है। इन क्षमताओं को संख्या पूर्व अवधारणाएं प्री नंबर कॉन्सेप्ट यानी PNC कहा जाता है। गिनती सीखने से पहले बच्चों में इन कौशलों का विकास आवश्यक है। तो कौशल कौन कौन से हैं? पहला है तुलना करना, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, हल्का भारी, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दायां बायां, दूर पास। दूसरा है समूहीकरण और वर्गीकरण। तीसरा है क्रम और अनुक्रम बनाना। चौथा है एक से एक संगति। पांचवा है एक से एक मिलाकर गिनना। छठा है क्रम सूचक एवं मात्रा सूचक संख्याएं। तो इस प्रकार गिनती सीखने के कौशल ये 6 हैं। ये अवधारणाएं गणित सीखने की बुनियाद होती हैं। इन अवधारणाओं की सही समझ होने से आगे चलकर गणित की विविध संक्रियाओं और अवधारणाओं का सीखना आसान हो जाता है। ऐसे अभ्यासों से बच्चों का गणित विषय में रुचि भी बढ़ती है। अब आता है लर्निंग आउटकम कि गणित विषय के लिए कितने लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। उनके अधिगम प्राप्त करने के लिए जो भी लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं उसे यहाँ बताया गया है। कक्षा 1 में गिनती सिखाने से पूर्व बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित करना आवश्यक है। यह समझ उनके आगे के लिए संख्या और संख्या पद्धति को सीखने समझने का आधार होगी। संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ को सुनिश्चित करने के लिए हमें बच्चों में नीचे दिए गए लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करानी होगी। ये लर्निंग आउटकम 3 श्रेणियों में हैं, केंद्रिक, फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम और उप आउटकम। यानी गणित में लर्निंग आउटकम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन आउटकम पर बच्चों के साथ कक्षा 1 में प्रवेश पाने से लेकर शुरुआती दिनों में पर्याप्त समय देकर सघन अभ्यास कराना होगा। अब है केंद्रिक आउटकम। केंद्रिक आउटकम के बारे में बताया गया है, यानी फोकल लर्निंग आउटकम क्या होता है उसे बताया गया है। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अपने घर के आसपास और स्थानीय परिवेश की विविध वस्तुओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, क्रियाओं में अंतर और समानता पहचानते हैं। उनकी तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, हल्का भारी, दूर पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कम ज़्यादा और बराबर। क्रम और श्रेणी की पहचान को व्यक्त करते हैं। अगला है अपने आसपास की विविधता वस्तुओं की बनावट में पैटर्न खोजते हैं और दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, स्वयं से नए पैटर्न बनाते हैं। बच्चे अपने घर की चीज़ों, जीवन की विविध क्रियाओं और स्थानीय व्यवसायों को संख्यात्मक रूप में पहचान कर उसे व्यक्त करते हैं, जैसे कितने बर्तन, कितने सदस्य, कितनी बार, क्या, पेज में कितने शब्द, अनाज की उपज, मकान में कितनी ईंट आदि। बच्चे किसी जगह, व्यक्ति, घटना, प्रक्रिया या दृश्य चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करते हैं। अब है अपने आसपास मौजूद चीज़ों में छोटा बड़ा, हल्का भारी, दूर पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कम ज़्यादा एवं बराबर को पहचान लेते हैं और उनके आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे दी गई वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे प्रदर्शित चित्र में अलग अलग दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। बच्चे अधिक व कम वस्तु वाले चित्र में अंतर कर लेते हैं। बच्चे समान संख्या में रखी वस्तु वाले चित्रों के बीच मिलान कर लेते हैं। बच्चे दिए गए चित्र को देखकर दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं। बच्चे दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न को व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे इस पैटर्न के आधार पर बताते हैं कि अगली वस्तु कौन सी होगी। बच्चे गणितीय शब्दावली जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, पहले, बाद, अंदर, बाहर, कम, ज़्यादा आदि पर
आधारित प्रश्नों में सही का चिन्ह लगा लेते हैं। तो यहाँ केंद्रीय आउटकम का जो है ये बताया गया है कि क्या क्या संख्या पूर्व अवधारणाएँ हो सकती हैं। अब आता है गणित को पढ़ाने के यानी शिक्षण के तरीके और गतिविधियाँ क्या होनी चाहिए, उसे यहाँ बताया गया है। शिक्षण के तरीके और गतिविधियों के अंतर्गत गिनती या संख्या का शिक्षण करने से पूर्व बच्चों को वस्तुओं की सहायता से कम ज़्यादा, मोटा पतला, दाया बाया, पास दूर का परिचय कराना जाना चाहिए। यह कार्य मूर्त वस्तुओं से करते हुए बच्चों के साथ की जा रही प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करते रहना होगा। इसके बाद चित्रों का प्रयोग करते हुए बातचीत की यही क्रिया करने की आवश्यकता होगी। बच्चों को विभिन्न वस्तुएं देकर उसमें अलग अलग नमूने पैटर्न बनवाना भी इसी दौरान करते रहना ठीक होगा। ठोस वस्तुओं से समूहीकरण एवं वर्गीकरण का कार्य करते हुए चित्रों के साथ भी इसे दोहराकर सीखने को आसान बनाया जा सकता है। संख्या पूर्व अवधारणाओं पर अभ्यास कराते हुए बच्चों से मौखिक रूप से गिनने का अभ्यास भी ठोस वस्तुओं के सहारे कराते रहना है, परंतु गिनती के प्रतीकों का परिचय कराना अभी ठीक नहीं होगा। मौखिक भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण में जो है मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो थोड़ा डरा सहमा सा होता है, उसे बात करने में झिझक होती है। सबसे पहले उसका यह डर या झिझक दूर करने के लिए हमें उससे बातचीत करें बातचीत करनी होगी। बातचीत की शुरुआत कविता या कहानी से कर सकते हैं। बातचीत के बिंदु मुद्दे निम्नोत हो सकते हैं। ये बातचीत के मुद्दे, दिनचर्या क्या है, यहाँ एक चित्र बनाया गया है, इसमें बातचीत के मुद्दे दिए गए हैं कि बच्चों से हम कैसे बात करें। तो यहाँ हम सबसे पहले ऊपर से लेते हैं पहला दिनचर्या। हम इस क्रम में यहाँ चलेंगे। दूसरा है बच्चों के अनुभव, परिवार के सदस्य, मेले, त्यौहार, खान पान, प्रवेशी वस्तुएं, विद्यालय के रास्ते में मिली वस्तुएं, पालतू जानवर, ठोस वस्तुएं या चित्रों पर पसंद नापसंद और संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ के लिए आगे दी गई गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से कराया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा में होने वाली हर क्रिया से बच्चों के परिवार, घर एवं दिनचर्या का जुड़ाव हो। बच्चों के साथ की जा रही हर गतिविधि की प्रक्रियाओं के बारे में बच्चों से पर्याप्त बातचीत करते रहना, उन्हें कारणों के बारे में सोचने समझने का मौका देना, उनकी प्रतिक्रिया पूछते रहना सीखने की दिशा में सदैव मददगार होगा या होता है। अब है ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करना, यह गतिविधि है। अपने विषय में बात शुरू करते हुए बच्चे के परिवार के विषय में सदस्यों की संख्या, पसंद नापसंद, खान पान, घर के पालतू पशुओं, पशुओं की संख्या, पशुओं की नस्ल पर चर्चा एवं बच्चे द्वारा घरेलू कार्यों में सहयोग, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या, घर से विद्यालय आते समय रास्ते मिलने वाली वस्तुओं की संख्या एवं अनुभवों पर चर्चा करना सही होगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुओं के साथ संख्या पूर्व अवधारणाओं के अभ्यास कराते समय की जा रही प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करते रहना होगा। यह जो ऊपर यहाँ चित्र में बताया गया है वही चीज़ यहाँ ठोस वस्तुओं के अनुभव में बताया गया है। अब है तुलना करना। आस पड़ोस एवं विद्यालय परिसर में उपलब्ध वस्तुओं को इकट्ठा कराएं, फिर उसके माध्यम से छोटा बड़ा लंबा छोटा सिखाएं। इसे वस्तुओं, फल आदि के टुकड़ों से सिखाएं। हल्की एवं भारी वस्तुओं की जानकारी के लिए वस्तु को हाथ में लेकर अनुभव कराएंगे। चित्र दिखाकर बच्चों से अनुमान लगवाया जाए कि कौन कम ज़्यादा, दूर पास, हल्का भारी छोटा बड़ा है, या कौन सा वृक्ष दूर है, कौन सा वृक्ष पास है, ये भी बता सकते हैं। कोई बक्सा या डिब्बा लें जिनमें कोई वस्तु बाहर रख दी जाए और कोई वस्तु अंदर रखी जाए, फिर उसके बारे में चर्चा की जाए। चित्रों के साथ भी यही अभ्यास कराएं। शरीर के अंगों के माध्यम से दायां बायां बतलाएं, फिर वस्तु दाईं ओर और बाईं ओर रखकर दाएं और बाएं का अभ्यास कराएं, फिर चित्र एवं उसके बाद अंकों को दाएं बाएं लिखना सिखाएं। अगला है वस्तुओं को टेबल, कुर्सी के ऊपर नीचे रखकर ऊपर नीचे का अभ्यास कराएं, जैसे यहाँ चित्र में बताया गया है। अगला है फिर समूहीकरण एवं वर्गीकरण। ठोस वस्तुओं के साथ हम इसमें देख लेते हैं, पहला है ये, दूसरा है तुलना करना, फिर
तीसरा है समूहीकरण एवं वर्गीकरण। ठोस वस्तुओं के साथ अभ्यास कराते हुए विविध तरीकों से वर्गीकरण और समूहीकरण का अभ्यास कराएं, जैसे वस्तुएं जो गिनी जा चुकी हैं उनको एक समूह में और जो नहीं गिनी गई हैं दूसरे समूह में रखना। चित्रों को गिनकर अलग अलग समूह बनवाएं, जैसे गिनी गई जो हैं उसे अलग रखा गया है, जो बिना गिनी हैं उन्हें अलग रखा गया है। इस प्रकार हम इनसे गतिविधि करा सकते हैं संख्यापूर्व अवधारणा विकसित करने के लिए। अब है समूह या ढेरी में रखी गई वस्तुओं को उनकी विशेषता या भिन्नता के आधार पर अलग अलग कराएं, क्रम में लगाना। चित्रों को हल्का भारी छोटा बड़ा के आधार पर अलग अलग करना सिखाएं। वस्तुओं को उनकी लंबाई वजन आकार के आधार पर क्रम से लगाना सिखाएं। लंबाई के आधार पर छोटे बड़े से छोटा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम, वजन एवं आकार के आधार पर पहले बड़ा फिर छोटा। चित्रों को उनकी विशेषता के आधार पर क्रम से लगाना सिखाएं। वस्तुओं और उनके चित्रों को उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग क्रम में लगाएं, जैसे आरोही अवरोही क्रम में, बढ़ते और घटते क्रम में लगाएं। और ध्यान रहे बच्चों के समक्ष अभी ऐसी शब्दावली आरोही अवरोही का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। गिनती से गिनना महत्वपूर्ण है। गणित सीखने के शुरुआती दिनों में अब यह बिंदु है, गिनती से गिनना महत्वपूर्ण है। गणित सीखने के शुरुआती दिनों में वस्तुओं को गिनने के बजाय गिनती याद करने पर जोर देने से गिनती के साथ चीज़ों वस्तुओं का संख्या बोध बच्चों को नहीं हो पाता है। केवल गिनती को याद करने से बच्चे मूर्त वस्तुओं का गिनती से तालमेल और संगत नहीं बैठा पाते हैं, इसलिए उनमें गिनते समय क्रम और मात्रा के बीच भी संदेह बना रहता है। क्रम और मात्रात्मक समझ बनाने के लिए बच्चों के साथ इस प्रकार के चरणबद्ध अभ्यास कराए जाने चाहिए। सबसे पहले 10 कंकड़ों या गोलियों को एक पंक्ति में रखें। बच्चों से हम ऐसा करा सकते हैं। अभी इन्हें गिनने के लिए प्रत्येक संख्या का नाम बोलते हुए एक एक कंकड़ को छुआ। गिनने के हर चरण पर कंकड़ों के दो समूह बनते गए। पहले वह कंकड़ जो गिने जा चुके थे और दूसरे वह जो गिनने जाने बाकी थे। इसे 4 बोला गया तो इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, 4 कंकड़ अलग रख देंगे गिनकर, और बिना गिना जो है वह अलग रहेगा। गिनते समय जब 10वें कंकड़ को छुआ जाए तो उस समय 10 का उच्चारण होता है। यहाँ 10 शब्द का प्रयोग दो तरह से हो रहा है, एक बार क्रम के लिए और दूसरी बार मात्रा के लिए, तो ऐसा हम बच्चों को बता सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ चित्र में देखिए इसे बताया गया है कि 10वां कंकड़ कौन सा है। बाद में वही 10 शब्द सभी कंकड़ों की कुल संख्या को बता रहा है। यहाँ 10 शब्द मात्रा सूचक है। इस चरणबद्ध अभ्यास में हमने देखा कि कंकड़ों को गिनने के दौरान 4 अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। क्रम में रखना, फिर वर्गीकरण करना, एक एक की संगति बनाना, एक ही संख्या के नाम को 2 अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करना। फिर अगली गतिविधि है एक से एक की संगति। गिनने और गिनती से जुड़े इस अभ्यास को देखें। एक से एक की संगति, यहाँ एक बॉल है और एक बॉल, 2 बॉल हो गया। 2 बॉल है और एक बॉल, 3 बॉल हो गया। 3 बॉल है और एक बॉल, 4 बॉल हो गया। तो इसी प्रकार बीजों, कंकड़, चूड़ी के टुकड़े, ढक्कन एवं मनकों से भी एक से एक की संगति कराते हुए गिनने की प्रक्रिया स्पष्ट की जा सकती है। बच्चों में यह समझ विकसित करना जरूरी है कि 1 और 1 मिलकर 2 हुए, 2 और 1 मिलकर 3 हुए, 3 और 1 मिलकर 4 हुए। तो इस प्रकार हम उन्हें जोड़ना सिखा सकते हैं एक से एक की संगति विधि से, गतिविधि से। तो अब यहाँ संख्यापूर्व अवधारणा से संबंधित यहाँ लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना बनाई गई है, उसके बारे में बताया गया है कैसे शिक्षण योजना इसकी बनाई जाएगी। संख्यापूर्व अवधारणाओं की समझ के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। इन अवधारणाओं को विकास के लिए की जाने वाली गतिविधियों के साथ साथ भाषा के पठन पूर्व और लेखन पूर्व गतिविधियाँ भी चलती रहेंगी। तो शिक्षण की योजना बनाते समय आपको निम्नांकित प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है गतिविधियों का चयन, दूसरा है लर्निंग आउटकम से जुड़ाव, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका से जुड़ाव, और चौथा है बच्चों को किस प्रकार की डिजिटल सामग्री उनके सीखने में उपयोगी हो, QR कोड और दीक्षा पूर्ण सामग्री का प्रयोग कब, कहां और कैसे करेंगे या भी तय किया जाए। तो अब है संख्यापूर्व अवधारणा का आकलन और सुधार। कक्षा में बच्चों द्वारा की जा रही बातचीत के दौरान आप उनका अवलोकन करते रहें। कितने बच्चे प्रतिदिन आपसे सहायता से बातचीत कर रहे होते हैं, हर बच्चे के बारे में अपने अवलोकन अनुभव को लिखते रहें और लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उसकी प्रगति को दिए गए फॉर्मेट में साप्ताहिक रूप में दर्ज करते रहें। संख्यापूर्व अवधारणाओं की समझ के आकलन के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, इनका उपयोग करते हुए आप बच्चों का सतत आकलन करते रह सकते हैं। पहला, बच्चों की भागीदारी।
बच्चे ने परिवार के बारे में बोलना शुरू किया है, अपनी पसंद नापसंद बता रहा है, अच्छे बुरे अनुभव बता रहा है, जानवरों की नस्लें पहचानता है। दूसरा है तुलना की समझ, लंबे को घेरो सबसे छोटे को घेरो, बड़े को घेरो, लकड़ी लोहे में तुलना कराकर चित्र में बक्से के अंदर वाले को घेरो, चित्र में बक्से के बाहर वाले को घेरो, चित्र में दाएं वाले पर गोला लगाओ, दूर वाले पर सही का निशान लगाओ, ऊपर वाले को घेरो। फिर है समूह वर्गीकरण, गिनी हुई और न गिनी हुई वस्तुओं में अंतर कर पा रहे हैं, भिन्नता के आधार पर छांटकर अलग कर पा रहे हैं, वस्तुओं चित्रों को गुण और विशेषता के आधार पर क्रम में लगा पा रहे हैं। अगला है एक से एक की संगति, समूह में वस्तुओं चित्रों को अलग करके जोड़ी बना पा रहे हैं, वस्तु चित्र को मिलाकर गिनती करवाकर। ऐसे सुझाव पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिका में भी हैं, बच्चों के आकलन में आप उनका भी नियमित अंतराल पर उपयोग करते रहें। शिक्षण के लिए उपयोग की जा रही गतिविधियाँ भी बच्चों के सीखने का आकलन करने में मददगार होगी। केवल यह जांच लेना कि बच्चों के सीखने का स्तर क्या है काफ़ी नहीं होगा, हमें असली कार्य है बच्चों को उन बिंदुओं पर मदद करना जहां उन्हें समझने में कठिनाई हो रही है, सीखने में पिछड़ रहे हैं, बच्चों को विशेष मदद चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुओं के प्रयोग के साथ विविध अवधारणाओं की समझ के लिए बार बार अभ्यास कराने की आवश्यकता होगी। यहाँ एक संख्यापूर्व अवधारणा की प्रेरणा तालिका दी गई है, यहाँ तीन कॉलम बनाए गए हैं, लक्ष्य है पहला, आकलन संकेतक है, आकलन हेतु संभावित प्रश्न और तरीके उसके बताए गए हैं। संख्यापूर्व अवधारणाएँ यह तुलना, समूहीकरण, वर्गीकरण, एक से एक की संगति की समझ विकसित करना, इसका आकलन संकेतक है, अपने आसपास मौजूद चीज़ों में छोटा बड़ा, हल्का भारी, दूर पास आदि को पहचानना, बच्चे दिए गए दो चित्रों में से अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, बच्चे दी गई वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं, बच्चे प्रदर्शित चित्र में अलग अलग दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं, बच्चे अधिक व कम वस्तु वाले चित्र में अंतर कर लेते हैं, समान संख्या पहचानते हैं, चित्रों के बीच मिलान कर लेते हैं, बच्चे दिए गए चित्र को देखकर दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं, बच्चे दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न को व्यवस्थित कर लेते हैं, बच्चे इस पैटर्न के आधार पर बताते हैं कि अगली बस कौन सी होगी, और बच्चे गणतीय शब्दावली जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे पहले बाद अंदर बाहर कम ज़्यादा दाएं बाएं आदि पर आधारित प्रश्नों में सही का चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके आकलन हेतु संभावित तरीके क्या हैं, प्रश्न क्या हैं, वो बताया गया है कि लंबे को घेरो, सबसे छोटे को घेरो, कौन हल्का कौन भारी वस्तु देकर पता करें, गिनी और नहीं गिनी हुई वस्तुओं को बताओ, वस्तुओं को गुणों के आधार पर अलग अलग कराएं, वस्तुओं और चित्रों को अलग अलग कर जोड़ी बनाएं, वस्तुओं को मिलाकर गिनती करवाएं आदि। ऐसे आकलन के संभावित तरीके और प्रश्न हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो संख्या पूर्व अवधारणा की यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।